पोकेमोन क्लाइमैक्स एपिसोड 2 द न्यू पार्टनर्स में तुम सभी का स्वागत है। अगर तुमने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो एपिसोड 1 को देख आओ यार, उसकी कहानी इससे कनेक्टेड होने वाली है और एपिसोड 1 की कहानी को सुनकर लोगों को गूस बम्स आ गए थे। तो पहले उसको देखो, आई बटन में तुम्हें एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। और हमने लाइकें रखा था एपिसोड 2 के लिए 5K लाइक, जो कि पूरा तो नहीं हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दैट्स व्हाई इस बार मैं वीडियो बना दे रहा है। लेकिन अगर इस वीडियो पे 5.5K लाइक नहीं होते हैं आज की वीडियो पे, तो नेक्स्ट पार्ट शायद ही मैं बना पाऊंगा। मेरी मजबूरी को समझने का ट्राई करना और सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं। सो लास्ट टाइम हमने एपिसोड में देखा एस और एलान जो होते हैं साथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले होते हैं। एलान एस को मेगा चार्जर वाई का स्टोन भी दे देता है। ग्रीन निंजा भी एस की टीम में आ जाता है और ग्रीन निंजा के कहने पर जाइग्रेड भी एलान के साथ आ जाता है। लेकिन एक दिन पहले एलान जो होता है एस को धोखा दे देता है किसी और ट्रेनर के लिए। अब वो कौन है हम जानने वाले हैं। इसी को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने के 4 दिन पहले इनोवा रीजन में। हमको दिखाई जाती है आयरिस, जो कि पेड़ के ऊपर बैठकर सोच रही होती है कि उसने लास्ट टाइम क्या गलती की कि यार वो वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गई। इसको जानने के लिए वो जाती है सिनो रीजन में सिंथिया से मिलने। सिंथिया से वो पूछती है कि मैंने क्या गलती की। सिंथिया बताती है कि लास्ट टाइम तुमने काफी अच्छा मुकाबला किया, एक पल के लिए मैं डर गई थी कि पाई साहब ये कितना पावरफुल एक्जुरस है, लेकिन तुमने एक गलती की कि तुमने रूल्स का फायदा नहीं उठाया। तुम चाहती तो फिनोमिना का यूज कर सकती थी और मुझे आराम से डिफीट कर सकती थी, लेकिन तुमने वो किया नहीं। तो इस बार मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ कि यार फिनोमिना का यूज पक्का करना। तो यार सिंथिया और आयरिस जो होती है एक ट्रेनिंग बैटल के लिए जाती है लेक इक्विटी के पास। दोनों ट्रेनिंग कर रही होती है और दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। और पीछे से इंटरनेशनल पुलिस आती है, वो बताती है कि यार माउंट कोनेट पे एक काफ़ी स्पेशल स्टोन्स जो होते हैं वो चोरी हो रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए सिंथिया और आयरिस जो है टीम अप करते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस मिस्ट्री का पता लगाएंगे और साथ में मास्टर चैंपियनशिप में भी दोनों एक ही साथ मुकाबला करेंगे। और ये टीम अप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है बिकॉज दोनों का रिलेशन जो है ना टीचर और स्टूडेंट वाला है और इनकी जोड़ी देखने में मज़ा आएगा। और हमको मिल जाती है दूसरी जोड़ी जो कि है आयरिस एंड सिंथिया की। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के 3 दिन पहले हमको दिखाया जाता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। कौन सी जगह है हमको पता नहीं। एक जख्मी एटनेटस आता है जो कि पूरा जख्मी है और उसके पीछे से हमको दिखाई पड़ता है एक काफ़ी ज़्यादा आधा जख्मी डाकराई और उसके पीछे से एक ट्रेनर बोलता है डेंजर हटो यहाँ से। अब ये कौन है हमको नहीं पता। और अचानक से डायंथा का सपना खुल जाता है। ये एक सपना होता है जो कि डायंथा देख रही होती है और ऐसे ही नहीं देख रही होती है। ओलंपिया ने डायंथा को ये सपना दिखाया था। तुम्हें पता है ना ओलंपिया कितनी ज़्यादा पावरफुल है भाई साहब। उसने एस को केलो सीजन में सपना दिखाया था बॉन्ड इवोल्यूशन का और उसका सपना हमेशा सच होता है। तो यार फ्यूचर में क्या होने वाला है, डायंथा ने सपना क्यों देखा। डायंथा काफ़ी टेंशन में होती है और वो अचानक से बाहर आती है और उसको आसमान में देखने को मिलता है बैटल पिरामिड। वो उस बैटल पिरामिड का पीछा करती है अपने गार्डवायर के साथ में और उसको देखने को मिलता है वो बैटल पिरामिड जो है एक जंगल में गया है। और डायंथा जो होती है उसके पीछे पीछे जाती है और उसको देखने को मिलता है ब्रैंडन। ब्रैंडन अचानक से उस जंगल में आता है और वो काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है। वो बोलता है जैकेट कहाँ पे है, ग्रीनजा कहाँ पे है, दोनों कहाँ पे गए। डायंथा बताती है कि एलान आया था जैकेट को लेके चला गया, एक किस्म आया था ग्रीनजा को लेके चला गया। डायंथा और ब्रैंडन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं बिकॉज ब्रैंडन जो होता है डायंथा को बताता है एक स्क्रोल जिसपे भविष्यवाणी लिखी हुई होती है। और डायंथा और ब्रैंडन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि भाई साहब अब तो हमें पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा एंड हम टीम अप करेंगे मास्टर चैंपियनशिप के लिए ताकि हम इसके ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च कर पाएँ। तो हमको हमारी तीसरी जोड़ी मिल जाती है जो कि है ब्रैंडन की एंड डायंथा की। और इन सब टेंशन के माहौल में ब्रैंडन जो होता है किसी बंदे को कॉल करता है और बोलता है अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन के साथ रियो रियून्स पे मुझे मिलने के लिए आ जाओ। भाई साहब किसको कॉल किया इसने, पता चलेगा आगे। तभी सीन शिफ्ट होता है एजे के ऊपर। एजे जो होता है पावरफुल बनने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए एक जिम के अंदर जाता है और उस जिम के अंदर और कोई नहीं पोल होता है। एजे पहले से पोल को जानता है, उसने इसको सिनो चैंपियनशिप में देखा था। तो एजे चैलेंज करता है पोल को, दोनों मुकाबला करते हैं। पोल यूज़ करता है गार्चूम का, एजे यूज़ करता है मेघमार का। भाई मेघमार को डिसएडवांटेज है लेकिन फिर भी वो पोल से काफ़ी अच्छी तरीके से मुकाबला करता है। पोल भी एक समय के लिए डर गया था लेकिन एट द एंड पोल जो है जीत जाता है। पोल एजे को बताता है कभी कभी पावरफुल बनने के लिए पोकेमोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग को हार्ड करना पड़ता है। एजे बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी ऐसी ट्रेनिंग कराता हूँ मेरे मेघमार को। तो
पोल बोलता है, कमाल की बात है। तभी अजय बोलता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला हूँ, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? पोल बोलता है मुझे फेस्टिवल्स पसंद नहीं है, मुझे क्राउड पसंद नहीं है, मुझे हिस्सा लेने ही नहीं है। तभी अजय बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम डर गए हो इस किचन से, बिकॉज मैंने देखी थी सिनो चैंपियनशिप जहाँ पे तुम हार गए थे तुम्हारे इन्फर्नेट पोकेमोन से। पोल को काफी गुस्सा आता है, लेकिन पोल खुद से खुद रियलाइज करता है कि एक बार तो मुझे भी इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेना ही पड़ेगा ना यार, मुझे भी इसको डिफीट करना है। तभी पोल और एजी जो होते हैं टीम को बना लेते हैं एक साथ, और तभी पोल को कॉल आता है, मैसेज आता है ब्रेंडन का रियो रियंस में मिलने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन के साथ में। अब पता चला ब्रेंडन ने किसको कॉल किया था, चकास यार। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के शुरू होने के दो दिन पहले हमको दिखाया जाता है गलार रीजन, जहाँ पे हमको दिखाया जाता है रायान की जिम, जहाँ पे रायान ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने जिम स्टूडेंट के साथ में ताकि वो हिस्सा ले सके वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसका सपना है लियोन को डिफीट करना, लास्ट टाइम तो एज किचन ने इस सपने को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन इस बार वो लियोन को डिफीट करके रहेगा और ये पूरा करके रहेगा सपने को। लेकिन तभी उसको अचानक से एक डिफरेंट सी एनर्जी फील होती है, कहाँ पे, वाइडोन स्टेडियम के पास में एक जमीन है वहाँ पे। जल्दी से रायान जो होता है वहां पे जाता है, और वहां पे जैसे ही वो आता है एक वॉर्म होल ओपन हो जाता है और वहां से बाहर निकलता है कटाना पोकेमोन। जैसे कटाना पोकेमोन बाहर आता है रायान उसे मुकाबला करने लगता है, लेकिन यहां कटाना पोकेमोन हमला करता है अपने रायान के ऊपर। तभी पीछे से एक बीस्ट बॉल आती है जो कि कटाना पोकेमोन को कैच कर लेती है, और ये और कोई नहीं होता है ग्लेडियन। ग्लेडियन जो होता है वो रायान को पहचान जाता है, और क्यों पहचाना पता है, बिकॉज ग्लेडियन ने लास्ट टाइम रायान वर्सेस इसका मुकाबला दिखा था। तभी ग्लेडियन जो है रायान को एक्सप्लेन करता है कि टाइम और स्पेस में कुछ गड़बड़ी होने के कारण यहाँ पे वॉर्म होल ओपन हो गया और ये बीस्ट पोकेमोन यहाँ पे आ गया, और ग्लेडियन बताता है कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। रायान बताता है हाँ मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए लियोन को हराने के लिए। तभी ग्लेडियन बताता है कि हाँ मुझे भी इसको डिफीट करना है, तो दोनों फैसला करते हैं क्यों ना साथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया जाए। तो रायान जो होता है अपने जिम स्टूडेंट के साथ में हिस्सा नहीं लेगा, वो लेगा ग्लेडियन के साथ में हिस्सा, और हमको मिल जाती है हमारी नई टीम जो कि होने वाली है रायान और ग्लेडियन की। मास्टर चैंपियनशिप शुरू होने के एक दिन पहले हमको दिखाया जाता है एलान, जो कि भाई साहब ट्रेनिंग करके आया है एक किस्म के साथ में, और उसको कॉल आता है किसी बंदे का फ्रॉम गलार रीजन। अब वो कौन है जानते हो? बताऊं मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा यार, ऐसे कैसे बता दूं भी, बट कोई ना, इस एपिसोड में हमने बहुत सारे ग्रुप्स को देख लिया है जो कि चैंपियनशिप में आने वाले हैं। वो है एसन गिरी हमारी जान, आरिसन सिंथिया मेरे दिल की जान, डायंथा एंड ब्रेंडन, डायंथा अच्छी है ब्रेंडन तुम देख लो, फिर पोल एंड एजे भी होने वाले हैं, रायान एंड ग्लेडियन भी होने वाला है, और एलान एंड मिस्टीरियस ट्रेनर फ्रॉम गलार रीजन भी होने वाला है। अब वो मिस्टीरियस ट्रेनर कौन है गलार रीजन का मैं तुम्हें बताएगा अगली वीडियो में। इसके अलावा भी दो और ग्रुप होने वाले हैं भाई, नाम सुनोगे पागल हो जाओगे। लेकिन वैसे उस माउंट कोर्नेट से स्पेशल स्टोन को कौन चोरी कर रहा है? डायंथा ने जो सपना देखा, फ्यूचर विजन देखा, वो क्या था, क्या होने क्या वाला है फ्यूचर में, सारी बातों का जवाब मिलेगा एपिसोड 3 में। 5.5 के लाइक कर दो, एपिसोड काफी जल्दी आउट हो जाएगा।